हाय गाइज, एम राहुल। फ्रेंड्स, मैं आज आपको इस वीडियो में वोल का टाइप करने की ट्रिक बताऊंगा, जो कि बहुत ही यूज़फुल है आपके लिए अगर आप एक ब्लॉगर हैं या अगर आप फेसबुक या व्हाट्सअप कहीं पर भी अपने फ़ोन में कोई भी टेक्स्ट को वोल का टाइप कराना चाहते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप बोल के कैसे टाइप कर सकते हैं हिंदी या इंग्लिश में, या फ्रेंड्स अपने कीबोर्ड पर फोटो लगाना हो, या फिर और भी बहुत सारे यूज़फुल हैं इस कीबोर्ड के। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाने के बाद गूगल इंडिक कीबोर्ड सर्च करना है। जैसे यहाँ पे सर्च करेंगे तो के सामने ये जो ऐप आएगा, फर्स्ट इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो गाइज, इसको इंस्टॉल करने के बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है और इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा ऐप है, इसके 50 मिलियंस प्लस डाउनलोड्स हैं, 4.2 की बहुत अच्छी रेटिंग है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसके फीचर्स वगैरह, रीड कर सकते हैं, इतनी सारी लैंग्वेज मिल जाती है आपको इंडिया की, और इसमें बहुत और भी फीचर्स हैं जो कि मैं आपको ऐप डाउनलोड होने के बाद ओपन करके बताऊँगा कि आप इसमें क्या क्या। बहुत ही फास्ट टाइपिंग होती है फ्रेंड्स इसमें, तो मैं आपको यूज़ करके बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ऐप गूगल इंडिक कीबोर्ड डाउनलोड होके इंस्टॉल हो चुका है। अब हमको इसे ओपन करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे इसे फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ सेटिंग्स करनी है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आपको इसे इनेबल करना है। इनेबल करने के लिए ये डायरेक्टली अपने फ़ोन की सेटिंग में ले जा लेगा और यहाँ से आपको इसे ओपन कर देना है, इनेबल कर देना है गूगल इंडिक कीबोर्ड को। सेकेंड स्टेप में आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। गाइस, लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आपको सेलेक्ट इनपुट मेथड पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर गूगल इंडिक को सिलेक्ट कर देना है। डन हो गया। थर्ड स्टेप में आपको परमिशंस देनी है इस ऐप के लिए, तो आपको सब कुछ अलाउ कर देना है और ओवरले अगर आपका है तो आपको सेटिंग के अंदर जाके इसे परमिशन दे देना है। फ्रेंड्स, अगर आपका फ़ोन मार्स मल्लो यूज़र को अपने फ़ोन की सेटिंग में जाके इस ऐप के लिए परमिशन अलाउ करनी पड़ेगी सभी, और इसके बाद आपको डन पर क्लिक करना है और इस नेक्स्ट स्टेप में आई एक्सेप्ट पर यहाँ पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद सी कीवर्ड फीचर्स, इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे फीचर्स देख सकते हैं इसके। तो हम अभी इसको सिंपली रहने देते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्ट इनपुट मेथड पे बहुत सारे फीचर्स हैं। आपको गाइज कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली अब आपको अपने कहीं पे भी जाना है व्हाट्सएप में। जैसे कि आप व्हाट्सएप पे जाएंगे, जहाँ पर भी आपको बोलकर टाइप करना है तो अपने कीबोर्ड में आ जाना है। तो देखेंगे आप यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। अभी मैंने यहाँ पर सिलेक्ट नहीं कर रखी, यहाँ पर हम हिंदी कर लेते हैं गाइज, और हिंदी के बाद इसे ओके कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं अगर आप कोई भी चीज़ हिंदी में लिखेंगे तो यहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे तो हिंदी में वो ट्रांसलेट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको बोल का टाइप करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये माइक है, इस पर क्लिक करना है। माइक पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी हमको बोल का टाइप नहीं करना है तो यहाँ पर सेटिंग करनी है कुछ। यहाँ से आपको इस सेटिंग के आइकन पर क्लिक करना है। सेटिंग के आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑफलाइन स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे ऑल पे क्लिक करेंगे आप और यहाँ पर आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस आ जाएंगी। तो यहाँ से आपको हिंदी, हम जैसे कि आप हिंदी में बोल के टाइप कराना चाहते हो तो यहाँ पर हिंदी भारत ये वाली लैंग्वेज आपको इसे डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, जैसे इसे डाउनलोड करेंगे आप, यहाँ पर ऊपर डाउनलोड होने लगेगी ये लैंग्वेज आपकी। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा गाइज, 15 मिनट की साइज़ है। और एक लैंग्वेज और है जो कि आपको इंडिया के लिए डाउनलोड करनी है अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहें तो। तो फ्रेंड्स, ये इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका भी 15 MB का साइज़ है। तो ये दोनों लैंग्वेज हमारी गाइज डाउनलोड हो रही हैं। इसको डाउनलोड हो जाने के बाद मैं आपको बताता हूँ इसे बोल कर कैसे करना है आपको। तो फ्रेंड्स, हमारी दोनों लैंग्वेज डाउनलोड हो चुकी हैं, हिंदी और इंग्लिश। तो आप यहाँ पे इंस्टॉल्ड में देख सकते हैं इंग्लिश US और हिंदी भारत, ये दोनों हमारी, और इंग्लिश इंडिया ऑलरेडी पहले से डाउनलोड थी जो कि मैंने की थी, इंग्लिश इंडिया डाउनलोड और हिंदी भारत डाउनलोड किए। इसके बाद आपको डायरेक्टली बैक जाना है। बैक जाने के बाद ऑफलाइन स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में आपका ऑप्शन आ चुका है, तो आप ये ऑफलाइन में कर सकते हैं। ओपन से बर्ड वो होता है गाइस, जैसे कि आप कुछ भी बोलते हैं और कुछ और टाइप हो जाता है तो आप इसे इनेबल कर दीजिए कि कुछ भी गलत वर्ड टाइप ना हो जिससे। तो आप यहाँ, तो फ्रेंड्स अब हमारे गूगल इंडिक कीबोर्ड की सेटिंग्स हो चुके हैं। अब मैं आपको डेमो करके दिखा देता हूँ बोल के टाइप करने का। तो गाइज, मेरे स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही थी इसलिए बोल कर टाइप नहीं हो पा रहा था, तो मैंने इसको कैमरे से शूट करके मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको जहाँ पर भी टाइप करना है वहाँ पर जाना है गाइज। जैसे मैं व्हाट्सअप में टाइप करना चाहता हूँ, व्हाट्सअप के कोई कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करना है, तो जैसे कि मैं इस नंबर पर बोल कर टाइप करके मैसेज भेजना चाहता हूँ, तो इसके लिए सबसे पहले आपको कीबोर्ड के जो दिख रहा है माइक का साइन छोटा वाला, यहाँ पे क्लिक करना है छोटे वाले माइक पर। इस पर क्लिक करने के बाद आपको गाइज ये जो सेटिंग का दिख रहा है इस पर क्लिक करना है छोटा सा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको वो लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है गाइज यहाँ से, जिसमें आप टाइप करना चाहते हैं बोल के। तो हिंदी में करना चाहते हो तो हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए गाइज, और इंग्लिश में बोल करके टाइप करना चाहते हैं तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए।
तो मैंने फ्रेंड से अभी हिंदी में करके दिखा देता हूँ आपको, जो कि यहाँ पर पहले से ऑलरेडी सिलेक्टेड है हिंदी। और इसको सिलेक्ट करने के बाद सेव पे करना है, और डायरेक्टली आप बैक जाना है अपनी चैट पर। चैट पर बैक जाने के बाद गाइज फिर से हमको अपना कीबोर्ड ओपन करना है और इस छोटे वाले माइक पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद फ्रेंड से इस पर माइक के आइकन पर एक बार क्लिक करना है आपको, और अब आपको बोलना है हाय गाइज आई एम राहुल। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब, और बताओ क्या हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सब बोलते जा रहा हूँ मैं, ये टाइप होते जा रहा है, और आप भी इसमें बहुत अच्छी से टाइप होता है फ्रेंड्स, आप भी बोल के टाइप कर सकते हैं। और इसको टाइप करने के बाद अगर आप चाहें तो यहाँ से सेंड भी कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं जो भी बोल रहा हूँ सब यहाँ पे टाइप हो रहा है। तो चलिए अब सेंड कर देते हैं इसको। तो ये मैंने सेंड कर दिया, देखिए फ्रेंड्स जो जो मैंने बोला सब टाइप के होके सेंड हो गए। और फ्रेंड्स अगर यही सब चीज़ें आप हिंदी में टाइप करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आप कीबोर्ड देख रहे हैं यहाँ पर जाना है आपको इंग्लिश में टाइप करने के लिए, और यहाँ से इसकी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए इंग्लिश इंडिया। तो ये हमने डाउनलोड की थी गाइज, आपने अगर डाउनलोड नहीं किया डाउनलोड कर लीजिए, और सिलेक्ट करने के बाद यस चेंज इट पर करना है। चेंज इट पर करने के बाद अब आप यहाँ पे जो भी बोलेंगे वो है आपके इंग्लिश में टाइप होगा हिंदी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब, इस पर एक बार टैप करना पड़ेगा। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब, ये देखिए फ्रेंड्स टाइप होते जा रहा है, मैं जो भी बोल रहा हूँ यहाँ पर टाइप हो रहा है, वो भी इंग्लिश में जो कि मैं बोल रहा हूँ। तो आप इसको भी यहाँ से टाइप करके सेंड कर सकते हैं। और गाइस आपको यहाँ पर दो ऑप्शन और मिल जाते हैं, या तो आप जो भी लिखना चाहें इंग्लिश में लिखना चाहें, या फिर अगर आप हिंदी में लिखना चाहें। तो बहुत से लोगों ने पूछा है हिंदी में कैसे लिखते हैं, तो इसको इस पर क्लिक करेंगे, अब आप जो भी लिखेंगे तो वो हिंदी में लिख जाएगा। जैसे कि मैं अपना नाम लिखता हूँ तो वो यहाँ पे ये देखिए, सॉरी गाइस एक्चुअली फ़ोन पकड़ा हूँ तो क्लियरली मुझे करते नहीं बन रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ राहुल, तो ये देखिए RAHUL लिखूँगा और राहुल लिख जाएगा। तो फ्रेंड्स इस टाइप से आप हिंदी में टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में टाइप करने के लिए आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए। तो गाइस बस इतना ही था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।